तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जब भी आप एक से अधिक पेज बना लेते हैं या आपके पेज की क्वालिटी ख़राब हो जाता है तो आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन वह परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वो आपको कहीं पर भी शो नहीं होगा, चाहे आपकी प्रोफाइल या सर्च में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको चले आना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपको फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पेजेज वाले पे क्लिक कर देना है। पेजेज वाले पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी पेज को डिलीट करना चाहते हैं आपको सिंपली उसे स्विच कर लेना है। आप देख सकते हैं जो भी पेज है उसके नीचे स्विच नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप जिस भी पेज को डिलीट करना चाहे आपको सिंपली स्विच नाउ पर उस पर क्लिक कर देना है। मैं नीचे वाला पे देख सकते हैं, यहाँ पे विवेक राज एक पेज है, इसे मैं सिंपली डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके नीचे जो स्विच नाउ का ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आपके प्रोफाइल में शो होने लगेगा। आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर में देख सकते हैं इसका प्रोफाइल अब शो होगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे की ओर आ जाना है। नीचे में आएंगे तो आपको एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन एक और दिखाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए। आप ऊपर में देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेज सेटिंग का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपको पेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। थोड़ा सा नीचे क्यों रहिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन, उसी में आपको नीचे एक दिखाई देगा ऑप्शन एक्सेस एंड कंट्रोल। आपको सिंपली क्या करना है, फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन में एक्सेस एंड कंट्रोल वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, थोड़ा देर वेट करना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएक्टिवेट, यहाँ पे दो ऑप्शन है, डीएक्टिवेट पेज एंड डिलीट पेज। आप क्या करते हैं, सेलेक्ट होता है डीएक्टिवेट पेज में, अब नीचे से आप कंटिन्यू कर देते हैं। यहीं पर आप गलती करते हैं जिसके कारण आपके प्रोफाइल से तो पेज डिलीट हो जाता है लेकिन यह सर्च लिस्ट में अभी भी रहता है और उसे वह पेज परमानेंटली डिलीट नहीं होता। अगर आप पेज को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट पेज यहाँ ऊपर वाले से छोड़कर नीचे वाले में सेलेक्ट कर देना है। देख सकते हैं नीचे वाले में मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको कंटिन्यू करना है या परमानेंटली डिलीट होगा। यहाँ से फेसबुक कारण पूछेगा, आप कोई भी कारण दे सकते हैं। आपको कोई भी सिंपली सेलेक्ट, मैं पहले वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आप अपने फेसबुक पेज से कोई डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं, फोटो वीडियो या कोई भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपका प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल से आप पेज बनाए हैं उसका यहाँ पे पासपोर्ट मांगेगा। आपको क्या करना है, उस पासपोर्ट को दर्ज करना है। आपका जिस प्रोफाइल में यह पेज है वह प्रोफाइल ऊपर में शो होगा और उसका पासपोर्ट यहाँ पे दर्ज करना है। चलिए मैं पासपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। पासपोर्ट दर्ज कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। आप पूछ रहा है आपका, यहाँ से आपको कंफर्म करना है कि आपका पेज डिलीट करना है या नहीं, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे फिर से आपको एक बार क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट पेज का ऑप्शन आ चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिलीट पेज वाले पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डिलीट पेज वाले पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डिलीट पेज वाले पे क्लिक कीजिएगा आपका जो पेज होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वो आप कहीं पर भी शो नहीं होगा, चाहे आप कहीं पर भी सर्च भी कर ले या आपकी कहीं पर भी खोज ले, आपको पेज देखने के लिए नहीं मिले। यहाँ पे पेजेज वाले में मैं जाकर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं विवेक राज का जो पेज था वो परमानेंटली डिलीट हो जाए। अब अगर आप यह सर्च पर ही करेंगे ना तो वह पेज आपको दिखाई नहीं देगा, यह डायरेक्ट आपके रीडायरेक्ट आपके प्रोफाइल में हो जाएगा। यह मेरा प्रोफाइल है और पेज परमानेंटली डिलीट हो चुका है। इस तरह से अपने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।